हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेज राउंड 765 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम ए, दैट इज एंशियंट सिविलाइजेशन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। एंशियंट सिविलाइजेशन, मार्टिनियन साइंटिस्ट एक्सप्लोर जेनिमेड, वन ऑफ द जुपिटर्स न्यूमरस मून्स। Recently, they found ruins of ancient civilization. The scientist brought to Mars some tablets with writings in a language unknown to science. क्या बोला गया है कि जेनिमेड से साइंटिस्ट कुछ स्टोन्स लेके आए थे जिस पे राइटिंग्स है, ठीक है। They found that the inhabitants of the Ganymed used an alphabet consisting of two letters and each word was exactly L letters long. ठीक है, क्या बोला गया है कि वो जो स्टोन्स लेके आए जेनिमेड से, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो अल्फाबेट में दो लेटर्स का यूज करते थे, ठीक है। जैसे नॉर्मली ए टू जी 26 लेटर्स हम यूज करते हैं, वैसे वो दो लेटर्स का यूज करते थे और सभी वर्ड्स एग्जैक्ट लेंथ के थे, दैट इज एल, ठीक है। सो साइंटिस्ट डिसाइडेड टू राइट ईच वर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज एज एन इंटीजर फ्रॉम 0 to 2 की पावर L-1 इंक्लूसिव, ठीक है। क्या बोला गया है कि क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो दो ही लेटर से फॉर्म हुए हैं और सबकी लेंथ है सेम L, तो साइंटिस्ट ने इन वर्ड्स को न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का डिसाइड किया फ्रॉम 0 to 2 की पावर L-1। ऐसा क्यों? बिकॉज मान लो लेंथ है 3 और दो ही लेटर्स है उनके पास, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो टोटल अगर L की वैल्यू 3 है तो 8 डिफरेंट वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस टू लेटर्स। सो 0 to 2 की पावर 3-1, दैट इज 7। सो 0 to 7 मतलब 8 वर्ड्स हो गए। बेसिकली अगर हम बाइनरी फॉर्म में इसको समझे तो अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं और मैं सभी जगह पे 0 और 1 दो लेटर रख सकता हूँ, तो टोटल नंबर्स कितने फॉर्म होंगे डिफरेंट? 8। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू रिप्रेजेंट दिस वर्ड्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म फ्रॉम 0 to 2 की पावर L-1। द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट करेस्पॉन्ड्स टू 0 बिट इन दिस इंटीजर एंड द सेकेंड लेटर करेस्पॉन्ड्स टू 1 बिट, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये नंबर से रिप्रेजेंट करने का सोचा साइंटिस्ट लोगों ने, तो दो लेटर्स थे तो इनको 0 और 1 के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। The same word may have various forms in this language. Then you need to restore the initial form. The process of doing it is described below. ठीक है। Denote the distance between two words as the amount of positions in which they differ. Example, distance between this and this is 2. क्या बोला गया है कि दो वर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कि वो कितने पोजिशंस में डिफर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 1001 और 1100, इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये है x, ये है y, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 2, क्योंकि ये दो पोजीशंस में डिफर करते हैं। फर्स्ट पोजीशन तो सेम है लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सेकंड पोजीशन में डिफर करते हैं। थर्ड भी सेम है और फोर्थ डिफरेंट है, तो दो पोजीशन में डिफर कर रहे हैं, दैट्स वाई डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स इज 2, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स x एंड y इज डिनोटेड एज d(x, y). लेट द वर्ड हैव n फॉर्म्स, ith ऑफ विच इज डिनोटेड बाई इंटीजर xi। ऑल द xi आर नॉट नेसेसरली डिफरेंट एज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड कैन बी रिटन एज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड कैन बी रिटन सेम, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया था आगे कि एक वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें उसको ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर करना है, देन यू नीड टू रिस्टोर इट इन द इनिशियल फॉर्म। तो इनिशियल फॉर्म में रिस्टोर करने के लिए क्या बोला गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि मान लो एक वर्ड के n नंबर ऑफ फॉर्म्स है, ठीक है, कोई वर्ड के n नंबर ऑफ फॉर्म्स है जो कि हमें गिवन है, और ith फॉर्म है वो है गिवन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू xi, ठीक है। एस दी एक्स आई आर नॉट नेसेसरली डिफरेंट एज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड कैन बी रिटर्न द सेम, तो एक्स आई रिपीट हो सकता है बेसिकली। कंसिडर सम वर्ड वाई, देन क्लोजनेस ऑफ द वर्ड वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंसिस टू ईच ऑफ द वर्ड फॉर्म्स, दैट इज समेशन d xi, y फॉर ऑल i फ्रॉम 1 टू n,
ठीक है, क्या बोला गया है कि अब एक वर्ड के हमें एन फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। आइथ फॉर्म एक्साई इंटीजर के फॉर्म में है, हमें एन नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, तो उनका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो उसका आइथ फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमें बोला गया है कि कोई भी एक वाई कंसिडर करो, तो इस वाई वर्ड जो है इसकी क्लोजनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, y वर्ड की क्लोजनेस को हम डिफाइन करेंगे समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n d ऑफ xi कॉमा y। मतलब कि अब एक ही वर्ड के हमें n फॉर्म्स दिए गए हैं इंटीजर के फॉर्म में, तो अगर कोई एक हम वर्ड लेते हैं y, तो इस y का इन सभी फॉर्म्स से क्लोजनेस किस तरह से डिफाइन होगा कि इन सभी इंडिविजुअल के बीच का डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था और उनका समेशन, ठीक है। द इनिशियल फॉर्म इज द वर्ड y विद द मिनिमम पॉसिबल नियरनेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि ये क्लोजनेस वैल्यू है या तो नियरनेस वैल्यू, तो जो ये अब इस वर्ड के n फॉर्म्स हमें दिए गए हैं और हमें इनिशियल फॉर्म रिस्टोर करना है, तो इनिशियल फॉर्म इसका वो होगा जिस नंबर पे ये वैल्यू जो है वो क्या हो, मिनिमाइज हो, ऐसी वाई की जो वैल्यू होगी वही उसका इनिशियल फॉर्म होगा, ठीक है। यू नीड टू हेल्प साइंटिस्ट एंड राइट द प्रोग्राम विच फाइंड्स द इनिशियल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन ऑल इट्स नॉन फॉर्म्स, नोट दैट द इनिशियल फॉर्म इज नॉट नेसेसरी इक्वल टू एनी ऑफ द गिवन एन फॉर्म्स। तो अब हमने हमको ये एक वर्ड के एन फॉर्म्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर्स, तो हमें इनिशियल फॉर्म बताना है सच दैट कि ये जो क्लोजनेस वैल्यू है वो मिनिमम पॉसिबल हो। और नेक्स्ट लास्ट लाइन में बोला गया है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये वाई जो है वो इन एन वर्ड्स में से ही एक हो, वो कोई और भी हो सकता है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है एन और एल, एन इज द गिवन नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड और L जो है वो उनकी लेंथ है, ये सभी N वर्ड्स जो है वो L लेंथ के होंगे। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें N इंटीजर्स दिए गए हैं XI जो कि इस वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स भी लिख दी है, और आउटपुट में हमें Y की कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू बतानी है सच दैट दिस मिनिमाइजेस। अब मल्टीपल वैल्यू ऑफ Y पे ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इस इक्वेशन की, तो हमें कोई भी एक बतानी है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें n नंबर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, मतलब n वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। एक वर्ड के n डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह के से दिए गए हैं, इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर xi की वैल्यू है 10 और लेंथ की वैल्यू है 6, तो 10 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, 8 plus 2, सो दिस इज 10 और टोटल नंबर ऑफ बिट्स 6 है, लेंथ 6 है, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा। तो हमें इस नंबर के फॉर्मेट में n वर्ड्स दिए गए हैं, हमें एक y नंबर फाइंड करना है सच दैट कि समेशन डिस्टेंस बिटवीन xi एंड y, मतलब सभी के सभी n नंबर्स के बीच का इंडिविजुअल डिस्टेंस y के साथ और उसका समेशन ओवर ऑल दी नंबर्स ये मिनिमम हो। अब कोई भी एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हमने देखा ही था क्वेश्चन में, वापस अगर देख ले तो अगर मान लो ये मेरा एक्स है और मेरा वाई है 1 1 1 0 1 1, तो जितने पोजीशंस में ये डिफर करेगा वही इनका क्या है, डिस्टेंस है। तो ये दोनों डिफरेंट है, दिस इज 1, मतलब कि अगर ये दोनों डिफरेंट है फिर ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें y ऐसा फाइंड करना है कि y का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और हर एक इंडिविजुअल x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और इस तरह से अगर हम डिस्टेंस निकालें और उनका सम लें तो वो मिनिमम हो, ठीक है। तो एक बात तो आप समझो कि अगर y का एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा और बाकी नंबर्स का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी, l, क्योंकि l लेंथ का वर्ड है। तो अगर हमें, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर बिट की बात करूं, kth बिट की, ठीक है, तो kth बिट की वजह से कितना हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा,
अगर हम वो मिनिमाइज कर दे और ऐसा सारे बिट्स पे अप्लाई कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक बिट कितना डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करती है उसका दूसरे बिट से कुछ लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं kth बिट की बात करूं तो मान लो अगर kth बिट है वो m नंबर ऑफ नंबर्स में सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं n, तो n माइनस m में वो अनसेट होगी। सेट का मतलब क्या कि वो बिट 1 है और इतने नंबर्स में वो बिट 0 होगी। तो अगर मैं y जो है मेरा इसमें kth बिट को अगर मैं सेट कर दूं, मतलब कि 1 कर दूं, या तो फिर इसको मैं अनसेट कर दूं 0 कर दूं, तो अगर मैं सेट कर दूंगा तो n माइनस m नंबर्स में वो अनसेट है, मतलब कि ये n माइनस m नंबर्स जो होंगे वो एक एक वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे टू द डिस्टेंस ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे तो समेशन है। तो इस केस में kth बिट की वजह से कितना ये इस वैल्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, n माइनस m, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो कितने नंबर्स में डिफर कर रहा है n माइनस m। अगर मैं इसको अनसेट रखता हूँ और m नंबर ऑफ नंबर्स ऐसे है गिवन n में, गिवन n वर्ड्स में, जिसमें कि ये बिट सेट है, तो कितने डिफर होंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, m नंबर ऑफ नंबर्स में डिफर होगा, ये दोनों तो सेम है तो डिस्टेंस कुछ नहीं होगा। तो एक तरफ वो kth बिट में n माइनस m कंट्रीब्यूट करेगा डिस्टेंस में और एक तरफ m करेगा। तो अब अगर हमें ये मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अगर n माइनस m लेस देन m है, मतलब कि ये जो है नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि kth बिट अनसेट हो, ऐसे नंबर्स अगर सेट बिट से कम है तो हम kth बिट को 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये डिस्टेंस में कंट्रीब्यूट होगी तो इसकी वैल्यू भी ओवरऑल कम होगी। हम क्या करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो। और अगर n माइनस m ग्रेटर देन m है, मतलब कि ज़्यादा नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कि ये बिट 0 है, तो हम y में भी वो बिट 0 रख देंगे, जिससे कि डिस्टेंस में m है वो ऐड हो जाए, लेकिन वो मिनिमम है यहाँ पे, इन दोनों में से एक तो ऐड होना ही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब ये kth बिट के लिए किया, वैसे ही हम सारी बिट्स के लिए कर लेंगे। इनमें से जो मिनिमम होगा, अगर n माइनस m लेस देन इक्वल टू m है, तो y में kth बिट सेट रखेंगे वरना अनसेट रखेंगे। सो यही कंसेप्ट है, और ऐसा हम सभी बिट्स के लिए करेंगे फ्रॉम 0 टू l माइनस 1, जिससे कि हमें मिनिमम ये मिल जाए। ये मिनिमम क्यों मिलेगा, क्योंकि हम हर एक बिट के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम बिट्स को हम वाई के साथ मैच कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूट हो, और ऐसा अगर हम सारे बिट्स के लिए करें तो हमें ओवरऑल भी मिनिमम मिलेगा, और एक बिट का दूसरे बिट से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट बचा है, तो अभी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। Also guys, registrations for Newton School's January batch for full stack development courses are open. Make sure you click on the link in the description and register yourself if you want to become a rockstar developer. So, अब अगर implementation की बात करें तो सबसे पहले 0 से लेके L-1 तक जितनी भी positions है वहाँ पे कितनी bit set है और कितनी unset है वो हमें calculate करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो मैं एक आंसर वेरिएबल लेता हूँ, बेसिकली इसमें हम y की वैल्यू स्टोर करेंगे और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। फिर एक टेस्ट केस के लिए मेरे पास n और l की वैल्यू होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं c ऑफ l ले लेता हूँ और इनिशियली सभी इंडाइसिस की वैल्यू 0 कर दूंगा। ये क्या डिनोट करेगा, c ऑफ i डिनोट करेगा कि ये n नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें कि ith बिट सेट है, ठीक है। तो अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ठीक है,
जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई। अब हमें इसमें सभी बिट्स कौन कौन सी सेट है वो मार्क करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर पी इक्वल्स टू जीरो टू, मान लो एक वेरिएबल है पी, पी इक्वल टू जीरो टू एल माइनस वन, क्योंकि हमें बोला गया है कि इतनी लेंथ का ही वर्ड होगा तो इससे ज्यादा बिट्स नहीं हो सकती। काउंट ऑफ आई इक्वल्स टू काउंट ऑफ आई प्लस जे मॉड्यूलो टू, और जे इज इक्वल टू जे डिवाइड बाई टू। जे को हम हर एक बार डिवाइड करते जाएंगे बाई टू, और अगर लास्ट बिट सेट होगी, मतलब कि आइथ, सॉरी यहाँ पे आई नहीं होगा, पी होगा, अगर पिथ बिट सेट होगी तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और अगर ये जीरो होगा तो यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमें आइथ बिट फ्रॉम आई इक्वल टू जीरो टू एल माइनस वन सभी में पता चल जाएगा कि वो कितने नंबर्स आउट ऑफ एन नंबर्स कितने नंबर्स में वो सेट है। अब क्या करना है, अब फॉर जे इक्वल टू वन में ले लेता हूँ, और फॉर आई इक्वल्स टू जीरो टू एल माइनस वन हम सभी बिट्स में ट्रावर्स करेंगे। इफ काउंट ऑफ आई, मतलब कि जितने नंबर्स में आइथ बिट सेट है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है एन माइनस काउंट ऑफ आई से, मतलब कि जिनमें ये बिट सेट नहीं है, तो नंबर ऑफ नंबर्स विथ सेट बिट अगर ज़्यादा है तो वाई में भी हम सेट ही रखेंगे, जिससे कि ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। सो अगर वाई में ये बिट सेट रखनी है तो मैं क्या करूँगा, वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जे, ठीक है। जे किसके लिए मैंने यूज़ किया है, जे विल रिप्रेजेंट टू की पावर आई, और अगर ये नहीं है तो ये आइथ बिट सेट नहीं होगी वाई में, मतलब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक बार हम क्या करेंगे, जे इक्वल्स टू जे इंटू टू करते जाएंगे। सो जे पहले टू होगा, फिर सॉरी आई इक्वल टू जीरो पे वन होगा, फिर टू हो जाएगा, फिर फोर एट एंड सो ऑन। तो ये जो हमें वाई वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एक एन साइज का फॉर लूप है और यहाँ पे एक एल साइज का फॉर लूप है। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू एन प्लस नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू एल, और एन की वैल्यू एल से बड़ी है, तो अगर मैं एन को ले लूँ तो बिग ओ ऑफ 10 की पावर 4, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।